वो सब बिना पता लगे हेल्प करेंगे हमारी। फिर तो काम सेट है महाराज जी, बस एक बार उनको अपने मिलवा दो कहीं, मेरी गैंग अपने आप मजा चखा देगी उनको। जब उनके सर से 2-2 किलो की पीतल की गोलियां निकलेगी, हेडशॉट लगी हुई। देखते रहना अब कैसे। ये वाला सीन अच्छा था दोनों को मार। तो यार मेरे भाइयों क्या हाल चाल है यार। तो मुझे कल कमेंट आया था कि भाई आप ग्लॉक गेमिंग का वीडियो रिएक्ट कर लो। तो इनका वीडियो भाई साहब मैंने आई थिंक 2 हफ्ते पहले रिएक्ट कर रहा था, लेकिन मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने वो वीडियो भाई पूरा डिलीट कर दिया एडिट करने के बाद। ठीक है, तो वीडियो अच्छा क्यों नहीं लगा ये मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, लेकिन आज हम ग्लॉक गेमिंग का किंग ऑफ BGMI ये वाला वीडियो हम जाके देखने वाले हैं। तो भाई वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और मुझे अच्छा क्यों नहीं लगता मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि अगर पहले ही बता दिया तो भाई आप मुझे गाली दोगे। लास्ट में मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने वाला हूँ। ठीक है, तो मूवी होने वाला है कैसा होगा आई डोंट नो, मुझे इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं है। देखते हैं भाई, मज़ा आ जाएगा तो भाई मज़ा ही होगा, अगर नहीं आएगा तो भाई मुझे तो पहले से ही पता ही था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलो, किसी भी चीज को देखने से पहले भाई साहब उसको मन से देखना चाहिए, क्योंकि अगर आप मन से देखते हो तो आपको वो वीडियो डेफिनेटली अच्छा लगने लग जाता है। ठीक है, लेकिन हम भी मन से ही देखेंगे आसानी से। फ्री फायर डायमंड और अरे यहाँ पर तो इंस्पॉन्सर चल रहा है, इंस्पॉन्सर हम मन से नहीं देखेंगे। ठीक है, किंग ऑफ BGMI। ठीक है, अरे भाई ठोक दिया गाड़ी भाई। ओ नहीं, किसी बंदे को मारा है। नहीं, हेलो किधर किधर इधर चली मैं उधर चले, चलो बिगड़ने में। गब्बर टेरर निकलो बाहर सालू, क्या सोच रहे हो महाराज को मार कर तुम वीकेंड पर कब्जा कर लोगे? निकलो बाहर, मैं बनाता हूँ तुमको किंग। अरे 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 अरे, तो फाइनली हमारे प्लान का असर होना शुरू हो ही गया। काम पूरा भी नहीं हुआ था और हमारा डर अभी से लोगों के बीच में बैठ गया। गन्ना चूस के डर तो तेरा मैं बनाऊंगा भूतनी के। मेरी गन्स की फैक्ट्री बंद करवाएगा क्या तू? तेरे अंदर इतना जोश कब से आ गया बे, जो तू काले दी गैंगस्टर से पंगा लेने की सोच रहा है? महाराज ने वीकेंडी मुझे सौंप दिया था और अब तुम लोग कुछ नहीं कर सकते यहाँ पर। वीकेंडी हमारा है अब, और सबका जो भी यहाँ बिजनेस चलता है ना, सब बंद करवाएंगे हम। तेरे को पहली और आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, समझ जाना, नहीं तो तेरी बैंड बजाने को भी मैं तैयार बैठा हूँ। काला दिख गैंगस्टर 2.0 बन चुका हूँ मैं, वो पुराना वाला काला नहीं रहा। लग तो नहीं रहा यार बदला हुआ तू। और रही बात वार्निंग की, तो सुनो, हमें भी किंग बनना है ना। अकेले तुम ही थोड़ी हो यहाँ जो किंग बन सकते हो, हम तुमको ऐसे हरा सकते हैं तुम सोच भी नहीं पाओगे। लगता है तू ऐसा नहीं मानेगा। ओ पावर, चलो एक ही झटके में। देख सन्नी देओल है, आजकल के लल्लू पंजू लोग भी गैंगस्टर बनने की फिराक में हैं, जिनके पल्ले घंटा कुछ नहीं है, ये बनेंगे शिकारी। जान से नहीं मार रहा, बच के रहना, आगे से अगर पंगा लिया ना तो तू भी खत्म मिलेगा और तेरी वीकेंडी भी। समझ में आ गया ना? और चले सनी देओल, इसको 2.0 बनकर दिखाएंगे अभी। नई ड्रेस ला एक आज ही। अरे टेरर भाई, आपको किसने नॉक किया? काले की फैक्ट्री बंद करवा रहे थे ना, साला खुद ही सामने आ गया मारने। पर काले को पावर किसने दे दी? वो तो ऐसे ही गन्ना लेके घुमा करता था बिना पावर्स के। अरे वो मैजेस्टिक गॉड आया है ना, उसी ने दी है। वही है उस काले के साथ अभी, और अपने को भी पावर्स मिल जाएंगी, पर टाइम लगेगा थोड़ा। उस फेरो को सबक सिखाना पड़ेगा लगता है अब। क्यों, क्या हो गया अब? मना कर रहा था फेरो, उसकी ऐसी ऐसी फोटो है ना मेरे पास, भेजी है उसको एक ट्रेलर के लिए, देखना उसे देखते ही आएगा जरूर वो पीछे पीछे, चाहे अभी आए या 2 दिन बाद, पावर तो उसको देनी ही पड़ेगी, उसका बाप भी देगा पावर तो अब। अच्छा ब्लैकमेल। यार एक बात तो है, आजकल कामयाब वही है जो ब्लैकमेल करके काम निकलवा लेता है, नहीं तो इधर से उधर मरना मारना लगा ही रहता है अपना तो। हम यही करेंगे, सब अपनी पावर दिखा रहे हैं ना, और हम सबकी कमजोरी ढूंढ लेंगे एक एक करके, और उनके बारे में सारी डिटेल्स इकट्ठा करके एक दिन पूरा गेम अपनी मुट्ठी में कर लेंगे, और पत्ता फेंक के पूरी बाजी ही पलट लेंगे। हाँ तो क्या इरादा है अब गब्बर, पावर्स लेनी है नहीं तुझे?
लेनी है लेनी क्यों नहीं, फ्री में थोड़ी ले रहे हैं, काम किया है बदले में, ऐसे ही थोड़ी मांगी थी, बेवजह फोटो बाहर निकलवाई वो, अब सबको भेज देता ना वायरल हो जाता तू। हाँ हाँ ठीक है, पहले इस फोटो को डिलीट कर दे और जल्दी से पावर ले ले, पर ये बात बताना मत किसी को, ये बात हमारे बीच में ही रहनी चाहिए। चलो पावर चलो जल्दी अब। चल फेरो, थैंक्स भी बोल देता हूँ यार तेरे को, जा फोटो डिलीट कर दी मैंने तेरी, वो तू भी क्या याद रखेगा मेरी जान, जा ऐस कर। ब्लैकमेल हो रहा है, ब्लैकमेल भाई। अबे फोटो तो दिखा दे उसकी। ये देखो, आपसे मिलने से पहले जब क्वीन एवलांचे की गर्लफ्रेंड थी ना, तो पीछे से अफेयर चल रहा था फेरो और क्वीन का, मुझे बहुत पैसे देने पड़े यार इसकी फोटो वीडियो लेने के लिए एक बंदे से। अब तो पावर्स आ गई, मजा आएगा, दिमाग से गेम खेल कर किंग बनेंगे हम, औरों को लगाने दो मैन पावर, तो फेरो तो आ गया अब अपने हाथ, बाकी सबको भी धीरे धीरे कर ही लेंगे कुछ ना कुछ इन्फोर्समेंट निकाल के। तो आज होगा सीजन 5 का पहला मर्डर फ्लेम डेविल की पेटी बनकर, और उसी के साथ इस सीजन का तांडव भी शुरू हो जाएगा, तब होगी ना तबाही शुरू, मौत ही मौत। और वो तांडव अभी से स्टार्ट होगा, जिसमें पहली मौत मैं तेरी करूंगा, तेरे मरते ही काला दी गैंगस्टर को खत्म करके धीरे धीरे सबको खत्म कर दूंगा, ये भी देखेंगे। लेकिन पहले ये तो बता, उस दिन भाग क्यों गया तू फाइट छोड़कर, किसका फोन आ गया था तेरे को ऐसा? टेक्नो की पेंट फट गई थी पब्लिक प्लेस पे, मैंने सोचा लड़ाई तो दो दिन बाद भी हो जाएगी, पर जो पेंट फटने के बाद बेइज्जती होगी ना वो वापस नहीं मिलेगी उसको। बड़ा ही बेकार बहाना था बे, चल अब आजा यार, आज भी टाइम मत खराब कर मेरा, मर के खत्म कर सारा किस्सा आज। अरे भाई तब भाई कुछ नहीं हुआ। आज तो फिर से वही हो गया यार, कितनी बार नंगा होएगा रे तू मेरे सामने, चला जा यहाँ से, नहीं तो लोग कहेंगे कि नंगे आदमी को जान से मार दिया, चल निकल जा पहली फुर्सत में अगर आज मरना नहीं है तो। भाग गया भाई, क्या ही विलन था भाई, क्या ही विलन था। अरे भाई, अबे टेक्नो ये कैसी ड्रेस तैयार की थी बे तूने, आज फाइट में वो बिल्कुल खत्म ही हो गई, मौत के मुंह से निकल कर आया हूँ, क्या हैकर बनेगा बे तू। बॉस आप मान क्यों नहीं लेते, वो ताकतवर है आपसे, दूसरी बार थोड़ी हार रहे हो, हर वीक लड़ाई होती थी आपकी वहाँ पर, टोटल 10 बार में से एक बार हराया था आपने उसको, वो भी इसलिए क्योंकि आपने पीछे से हमला किया था उस पर। सबको क्यों बता रहा है, मैं भी बताऊं हैकिंग से क्या किया था तूने, वो बिलियंस यूसी अपनी गर्लफ्रेंड को दिए थे ना, ना कि तूने उन गरीबों को दिए थे, और अपने भाई जाट को भी फंसाया था तूने, अभी बोलूंगा सब चीज यहाँ पे। ठीक है हो जाएगा, मैं कुछ करता हूँ, पर तब तक अंडरग्राउंड हो जाओ आप, बाहर मत आना या फिर कोई नई ड्रेस पहन कर घूमो बाहर इधर उधर। इसका नाम सिल्वेनस है ना, वो दूसरी मूवी में जो प्लेन के ऊपर बैठा है। अरे बाबा जी आ गए आप, बड़ी देर से वेट कर रहा था मैं तो। हाँ और तू यहाँ हेलीकॉप्टर पर बैठा बैठा क्या कर रहा था, ब्लड रेवन किधर गया, तुम्हारी ट्रेनिंग का क्या रहा? गया वो तो आपको धोखा देकर, वो कोई आपकी गैंग में नहीं था, बस पावर लेने आया था, बोला हम देखेंगे कैसे तुम लोग BGMI वालों को हरा पाओगे, BGMI को कोई खत्म नहीं कर सकता, ऊपर से मेरे को मारने की धमकी देकर गया है।
ये तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया बे अपना। फैरो और बर्ड रेवन जो मेन थे वो दोनों चले गए, अब तू, एवलॉन्च और पोसाइडन ही बचे हैं टीम में। हमें और बंदे चाहिए जो ताकतवर बनकर हमारी हेल्प कर सके बीजेमई को खत्म करने में। तो ये काम पोसाइडन कर देगा, वो यहाँ बहुत पहले से रह रहा है और सबको जानता है कि कौन अपनी हेल्प कर पाएगा। सबको अपनी टीम में करो और खत्म कर दो सबको एक साथ। एक रास्ता और है एक एक करके सबको खत्म करने का, फूट डालो और राज करो। एवलॉन्च काम करेगा अब अपना, उसे बुलाता हूँ, रुक तू। अबे ये क्या बदतमीजी है यार, मैं तो नहाने वाला था, कपड़े उतारने ही वाला था, इतनी देर में तुमने गायब कर लिया। अच्छा हुआ एक मिनट पहले ही बुला लिया, लेट होता तो पता नहीं क्या दिख जाता। ये सब छोड़, बात सुन, तेरे को कैसे भी करके फैरो और ब्लड रेवन को अलग करना होगा। अब ब्लड रेवन भी जाकर उसके साथ मिल गया है, उनके अलग होने के बाद ही हम हमला करना स्टार्ट कर पाएंगे, नहीं तो मुश्किल है सब। टेंशन नॉट, मैं संभाल लूंगा, अभी जाने दो मुझे, नहाना है यार। वैसे भी 15-20 दिन बाद मेरा प्लान बना है नहाने का, चेंज ना हो जाए। हाँ जा, तू जा वापिस। 20 दिन के बाद नहाने का प्लान बनाया उसका। अरे भाई विंटर सीजन सिल्वेनस, तू जा पोसाइडन से मिलकर कुछ कर, बना प्लान जो हमारा एक्सूट वर्ल्ड बनाने में काम आए। मुझे तो छुपना है, वो ब्लड रेवन मुझे मारने आएगा, बोला है उसने मुझे अपनी जान प्यारी है। बाबा जी मैं और पोसाइडन कहीं जाकर प्लान बनाते हैं कुछ, फिर देखेंगे आगे का सीन। तो हाँ हाँ जल्दी जा, तू भी लग जा काम पर। ये जो कुछ भी मैंने तुझे बताया ना, ये बातें हम दोनों के बीच में रहनी चाहिए। अब मैं तभी बाहर आ पाऊंगा जब वो दोनों मरेंगे, तू बस तैयार रहना, मैं जो जो कहूँ करते रहना। उन पर नजर पूरी है मेरी, मैं मेरे सारे पर्सनल खबरियों से मिलकर आया हूँ, वो सब बिना पता लगे हेल्प करेंगे हमारी। फिर तो काम सेट है महाराज जी, बस एक बार उनको मेरी गैंग अपने आप मजा चखा देगी उनको, जब उनके सर से 2-2 किलो की पिस्टल की गोलियां निकलेगी, हेडशॉट लगी हुई। देखते रहना अब कैसे ये वाला सीन अच्छा था, दोनों को मारेंगे। इतना खतरनाक प्लान बना रखा है मैंने, और उनका प्रूफ भी तो इकट्ठा करना है ना, कैसे कैसे उन्होंने हमारे साथ क्या क्या किया। गब्बर टेरर को तो छोड़ूंगा नहीं अब। अरे सब हो जाएगा, सबर तो रखो। तो फाइनली मूवी खत्म हो चुका है, और मुझे पता है मेरे वीडियो पर भी बहुत से कमी है, ठीक है। मेन तो क्वालिटी की कमी है, और मुझे पता है मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकता कि क्वालिटी एकदम से इंक्रीज कर दूं, लेकिन जितना भी हो सकता है मैंने किया हुआ है, ठीक है। और एक चीज़, अगर आप मुझे बताते हो कि भाई आपकी वीडियो में ये कमी है, तो मुझे आसान होता है कि भाई इम्प्रूव करना, ठीक है। अब इस वीडियो में क्या कमी है, क्या मुझे कमी ऐसा लगता है, ठीक है, अब मुझे नहीं पता। जो मुझे अच्छा नहीं लगता वो आपको अच्छा लगता होगा, जो आपको अच्छा लगता है वो मुझे अच्छा नहीं लगता होगा, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब बस इतना है, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ये बता रहा हूँ कि इस वीडियो में क्या क्या कमी थी, या फिर इस चैनल के अंदर क्या क्या कमी थी, ठीक है। जो डायलॉग बोलते हैं ना, उसमें अगर आपने ध्यान में दिया होगा तो भाई डायलॉग जो होता है वो भाई इतना मन से नहीं बोलते हैं, यानी कि भाई उसमें घुस के, ठीक है, अगर आप कुछ काम करते हो उसमें घुस के काम करते हो ना, तो भाई वो ऑटोमेटिक अच्छा हो जाता है। अगर आपके मॉम खाना पका रहे हैं और भाई मन से पका रहे हैं ना, तो वो खाना भाई बहुत टेस्टी होता है, ठीक है। अगर भाई गुस्से में पका रहे हैं तो आई डोंट थिंक सो वो भाई खाना इतना ज़्यादा टेस्टी होगा। अब यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा कि भाई ये लोग मन से नहीं गा रहे हैं, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि ये लोग जहाँ से भी वॉइस ओवर देते हैं, बस वो एक ही कमरा हो, ठीक है, एक ही कमरा हो, उसी में से वॉइस ओवर दे, ताकि भाई सब जो साउंड है ना, जो साउंड है भाई वो प्रॉपर आए, ठीक है। अगर आपने नोटिस किया होगा तो भाई साउंड ना थोड़ा बहुत डायलॉग छूट गया है। तेरे को ऐसा टेक्नो की पेंट फट गई थी, और ऐसा लग रहा है कि भाई किसी एक्टर को, ठीक है, या फिर किसी भी इंसान को भाई पैसे दे के भाई तू ये डायलॉग बोल दे, बस इतना कुछ कहा गया हो, ऐसा मुझे लगता है। और जो हम पिछली बार मूवी देखते थे, अगर आप वो देखते हो और ये देखते हो, तो आपको भाई ये वीडियो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। वो वीडियो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि उसमें भाई जो म्यूजिक था वो भी परफेक्ट, भाई म्यूजिक की कोई कमी नहीं थी उसमें, और साउंड भी थोड़ा बहुत बढ़ के था, यानी कि
आपको भाई 100 आवाज नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, यानी कि वॉल्यूम जो है वो फुल नहीं करना पड़ेगा। आप 50 का राउंड भी अच्छे से समझ जाओ, क्योंकि भाई वहाँ पर बोलने की कोशिश किया क्या किया गया है। जैसे कि मैंने पहले ही बोल दिया, ये वीडियो मैंने 2 हफ्ते पहले देख लिया था, ये वीडियो तो नहीं, इसी चैनल का कोई एक वीडियो था, 1-2 हफ्ते पहले मैंने देख लिया था, एडिट भी कर लिया था, लेकिन मुझे इतना खास अच्छा नहीं लगा, सो मैंने डिलीट कर दिया। अब ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, बस इसीलिए बना रहा हूँ कि भाई आप में से किसी एक ने मुझे कमेंट करके बोला था कि भाई आप इसके ऊपर वीडियो रिएक्ट करो। भाई जो कुछ भी, जो कोई भी मुझे बोलता है ना, तो मैं कर देता हूँ, चाहे भाई कुछ भी गेम हो, अगर मेरे से पॉसिबल होता है तो। अगर पबजी का कहता है तो सही है। कल भाई साहब, नहीं कल नहीं, 2 दिन आगे एक बंदे ने भाई फ्री फायर गेमिंग के बारे में कहा था, तो भाई फ्री फायर के बारे में मुझे इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था, तो मैंने फ्री फायर टिकटॉक के बारे में भाई वीडियो बना दिया, ठीक है। जो मुझसे हो सकता है मैं वो करूँगा, लेकिन भाई मुझे ये अच्छा नहीं लगता, ठीक है भाई, समझो बात को, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, ठीक है। मुझे तो ये लगता है कि भाई इन लोगों को ना आवाज़ में थोड़ा बहुत ध्यान देना चाहिए, और भाई म्यूजिक पे और जो डायलॉग बोलते हैं ना, वो मन से नहीं बोलते, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। और भाई ज़्यादा ही बुराई कर दी, और मेरे अंदर भी बहुत सी बुराई है, जैसे कि मैंने बोल दिया, कभी भाई मेरा माइक में भी वही प्रॉब्लम होता है, कभी भाई क्वालिटी अच्छा नहीं आता, लेकिन ये चैनल देखो और मेरा चैनल देखो, मेरा चैनल हर एक दिन 2-3 सब्सक्राइबर घटता है, कसम से आज तक नहीं बढ़ाया सब्सक्राइबर, ठीक है। और इस चैनल पे आई थिंक हर एक दिन 1000 सब्सक्राइबर या फिर 500 से लेके 100 तक तो आ ही जाते होंगे, तो भाई इन लोगों को थोड़ा बहुत इम्प्रूव करना चाहिए। और मैं हर एक वीडियो में तो नहीं बोलता, लेकिन आपने नोटिस किया होगा तो भाई किसी किसी वीडियो में बोलता हूँ, अगर मुझसे कोई भी गलती हुई है तो भाई माफ़ कर देना, और भाई मुझे कुछ इम्प्रूव करना चाहिए तो भाई बता देना, और मैं किस वीडियो पर रिएक्ट करूँ ये भी बता देना। भाई ये 3 चीज़ मैं कभी कभार बोलता हूँ, लेकिन बोलता हूँ महीने में 1 बार तो सही, ठीक है। तो भाई ये चीज़ होता है, अगर आप बोलते हो कमेंट करके कि भाई आपकी वीडियो में ये खराबी है, इसको चेंज करो, तो भाई जो यूट्यूबर है, जो वीडियो बनाता है, जो कंटेंट क्रिएटर है, उसको थोड़ा बहुत समझ में आ जाता है कि हाँ भाई इसमें थोड़ा बहुत कमी हो सकती है, जो मुझे अच्छा लगता है हो सकता है वो आपको अच्छा ना लगे, तो इसीलिए भाई बता दिया करो कि भाई आपकी वीडियो में ये कमी है, ठीक है। और जैसे कि मैंने बता दिया इस वीडियो में क्या कमी है, या फिर इस चैनल के अंदर क्या कमी है, तो वैसे ही आप भी बता दिया करो। और जो कुछ भी मैंने बोला अभी, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये वीडियो ख़राब है, बस मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, बाय। हेलो दोस्तों, लाइक तो दबाइए, मुझे भी तो थोड़े बहुत व्यूज है चाहिए, अरे कर दो ना, मत शर्माइए। हाँ हो गया क्या, चलो अब जाइए।